Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। इस चैनल पर बहुत सारी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, कोई 5,500 से ज़ायद दुरूस मुख्तलिफ टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बंधे रहेंगे। आइए आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज के मुख्तसर दर्स में आपसे एक रिवायत शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी होम इकोनॉमिक्स, आपकी घरेलू मईशत, आपकी सेविंग्स, उसमें इजाफ़ा हो, इस्तेहकाम हो, मुस्तहकम हो, तो इस हदीस नबी पर अमल करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। आप रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया मेरे प्यारे नबी ने? अल इक्तिसादु फिन नफाकति निस्फुल मईशा, कि खर्च में मयाना रवि निस्फ मईशत है। यानी जो तुम इखराजात दिए जाते हैं ना, तुम्हारा जो महीने का बजट होता है, उसमें अगर तुम मयाना रवि इख्तियार करो, बैलेंस करके चलो चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा ऐसा ना हो कि कंजूसी बेहद हो, या ऐसा भी ना हो कि सब उड़ा दो, मयाना रवि का रास्ता इख्तियार करो, तो आधी मईशत तो तुमने वैसी कंट्रोल कर ली, आधी होम इकोनॉमिक्स तो तुम्हारी वैसी कंट्रोल हो गई है। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है। अब हमारे पास क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगियां कुछ इस तरह सेट कर ली हैं कि हमारे पास अभी पैसा आया नहीं होता और हमने उसको खर्च करने के प्लान बना लिए होते हैं, या हमारे अखराजात हमारे तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा होते हैं तो सेविंग्स नहीं हो पाती। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें हम घिरे रहते हैं और ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। तो ये जो रिवायत मैंने आपसे शेयर की है ना, इस रिवायत को इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल औसत में रिवायत किया है, हदीस नंबर 6744। इसी तरह इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है, हदीस नंबर 6568। इमाम दैलमी ने अल-मुस्नदुल फिरदौस में रिवायत किया है, हदीस नंबर 3421। और इमाम हैसमी ने इसको मजमाउ ज़वाइद में भी रिवायत किया है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात, अगर हम अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।